नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा और मेरे YouTube चैनल लाइफ ही पीस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अपने बाइक पे। ये KTM मैंने 2017 में लिया था और करीबन 3 साल बीत चुके हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाइक में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी कुछ जो फंक्शन है फ्यूचर, उसके बारे में भी आपको बात करूँगा कि क्या क्या अच्छी बातें और जो इस बाइक को अलग बनाती है। KTM एक्चुअली ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है और यहाँ पे रेसिंग जो DNA कहा जाता है उस तरह की बाइक बनाई जाती है। और एंट्री लेवल में ड्यूक 390 मैंने इसलिए पसंद किया था कि स्पोर्ट बाइक जो गिने जाते हैं बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या मुझे ऐसा लगा कि जो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बाइक में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इसमें अच्छी बातें मुझे लगी और क्या क्या उसमें मुझे थोड़ी बुरी बातें लगी। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इस लुक की। लुक इसका बहुत बढ़िया है और कलर मैंने पसंद किया था, ये जो ऑरेंज है, साथ में इसकी जो सब फ्रेम है वो वाइट कलर की है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दो फ्रेम से जॉइंट से पूरा बाइक कंट्रोल होता है, मतलब चेसिस बनती है। और इसका जो चेन है वो ओपन होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट बाइक में इसको हर 500 या 700 किलोमीटर के समय पर हमें इसको लुब्रिकेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले आपको मैं एक लुक दिखाता हूँ कि बाइक कैसे दिखती है। देखिए ये पीछे से पूरा और ये साइलेंसर इसका साइड में ऊपर है, बाकी KTM जो स्टार्टिंग लेवल के आते हैं ड्यूक तो उसमें वो नीचे आता है अंडर द बेली। और ये देख लीजिए सीट डिजाइन भी बहुत कंफर्टेबल है। पीछे यहाँ थोड़ा अगर लॉन्ग जर्नी में जाते तो परेशानी हो जाती है, लेकिन वो बात है थोड़ी बाद में हम करेंगे। टैंक कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई गई है, टैंक भी बहुत बढ़िया है। ये साइड में आप देख लीजिए, ये इसका इंजन है, ये पूरा इसका व्हील साइज। ये दोस्तों इसका आगे से पूरा लुक है और ये इसका TFT डिस्प्ले देखिए, रेडी टू रेस। तो अभी हम दोस्तों शुरुआत करेंगे कि इसमें क्या क्या बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके टायर के बारे में। यहाँ पे हम देखें तो जो इसके टायर है वो 70 रिम पे इसको सेट किए गए हैं और जो फ्रंट व्हील है ये मैटजिलर कंपनी का है, 110x17x70 की रिम। और पीछे का जो टायर है उसकी साइज है दोस्तों 150x60 यानी 60x70। तो फ्रेम रेट दोनों में सेम है, लेकिन साइज जो होती है वो पीछे थोड़ी चौड़ी दी गई है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि जो ग्रिप है रोड का ट्रैक्शन वो बढ़िया बना रहता है। और टायर मैटजिलर की होने की वजह से अगर आप कॉर्नरिंग भी करते हो तो यहाँ देखिए कॉमन बाइक की तरह नहीं है। यहाँ पर एक फायदा ये भी होता है कि स्पीड के हिसाब से ये ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और रोड को अच्छी तरह से पकड़ के ये बाइक चलता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे तो जैसे कि इसकी लाइट की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें LED लाइट दी गई है और बीच में से एक उसका पार्टीशन एल्यूमिनियम एक ग्रिल जैसा है। तो डे रनिंग लाइट भी चलती रहती है और
पूरा जो रात में लाइट होती है तो रोड पे देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं यहाँ थोड़ा आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे जलती है। देखिए ये ऑन हो गई। अभी जैसे कि ये मैं हाई बीम करता हूँ दोस्तों, तो ये लाइट पूरी जल गई। ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ नॉर्मल पे ला देता हूँ तो बीच वाली जो है वो जलती है, लेकिन बाइक बंद है तो सिर्फ DRL ही जलती है। जैसे कि मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ तो आप देख लीजिए कैसा होता है। ऊपर वाली जो है वो तो ऑन ही रहती है, ये गवर्नमेंट का रूल था इसलिए, लेकिन दिखती बहुत ही बढ़िया है। और जब हम हाई बीम में इसको डालते हैं, यहाँ पे इसकी स्पीड दिख रही है देखिए, तो ये पूरी ऑन हो गई, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा लुक देती है। यहाँ पे दोस्तों KTM के बारे में मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्पीड में होते हो और अचानक से आपको गाड़ी को दौड़ाना है या कम करना है, तो राइड बाय वायर जो टेक्नोलॉजी है उससे कंट्रोल अच्छा होता है, तो परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर के साथ साथ इसकी जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है। आगे भी मान लीजिए, आगे ये जो ब्रेक है 320 mm की डिस्क ब्रेक है, और पीछे जो ब्रेक दी गई है वो दोस्तों है 230 mm की, और इसमें ABS ड्यूअल चैनल आता है, तो बहुत ही बढ़िया कंट्रोल होती है बाइक जब आप स्पीड में होते हो और ब्रेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि KTM अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, तो कंट्रोल भी इतना अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए डिस्क ब्रेक बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके साथ में मैं दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि जो KTM में एक फंक्शन है जो मुझे बहुत पसंद आया और उस टाइम पर मुझे ये लगा कि ये बाइक मुझे लेनी चाहिए, वो है इसका TFT डिस्प्ले। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में आपको, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक सेंसर है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ढक देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन, ये नाइट मोड हो गया, और डे मोड में ये वाइट दिखता है, तो ये आपकी विजिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसमें जो पूरा एक मोबाइल जैसा दिखता है तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमको एक RPM मीटर मिलता है, साथ में फ्यूल कितना वो दिखता है, टेम्परेचर इंजन का दिखता है, स्पीड जो होती है वो डिजिटल है, ऑडोमीटर है, फिर यहाँ पे गियर दिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब साइन भी हमें मिलती है, न्यूट्रल, ABS और इंजन का। साइड में मान लीजिए अभी साइन स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, अभी मैंने इसको ले लिया देखिए, ठीक है, तो ये डिसअपियर हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अगर किल स्विच ऑन है तो यहाँ पे ये दिखाएगा किल स्विच, ठीक है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ से मतलब कंट्रोल होती है, जैसे कि ये ट्रिप वन है, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कितना किलोमीटर 1 लीटर पे चलती है, ठीक है, इसके साथ इसकी एवरेज स्पीड मैंने जब ट्रिप स्टार्ट की तब से कौन सी रही है, ट्रिप का टाइम कितना रहा है, और फ्यूल रेंज अभी ये कितनी चलेगी इतने पेट्रोल में। उसके साथ अगर दोस्तों मैं इसकी नीचे की सीट प्रेस करता हूँ तो ये देख लीजिए ट्रिप टू आ जाएगा, ठीक है, उसमें भी वही फंक्शन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये TFT डिस्प्ले है, बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले KTM माई राइड, तो ऑडियो और पेयरिंग जो डिवाइस होता है वो भी आप इसके साथ मोबाइल में वो कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन, ट्रिप वन, ट्रिप टू और वार्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिप वन में अगर मैं जाता हूँ और सेट में जैसे कि यहाँ पे ओके तो बताऊँ तो मुझे अंदर का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि ट्रिप में कितने किलोमीटर हुए, कितना कंजप्शन हो रहा है लीटर का, स्पीड कितनी है, ट्रिप का टाइम कितना है, फ्यूल रेंज कितनी है। इसके अलावा वही ट्रिप टू में हमें देख सकते हैं कि मिल जाता है, और आपको दिखाना चाहूँगा जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों जैसे कि हम अंदर जाते हैं तो डेट, ऑडोमीटर और बैटरी, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखती है। और इसके अलावा अगर दोस्तों हम वार्निंग में जाए तो मान लीजिए अभी कोई वार्निंग आ नहीं रही है, वरना यहाँ पे दिख जाता है कि इश्यू फेलर है, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में, तो सेटिंग में ओके करने के बाद हमें पता चलता है
यहाँ पे फेवरेट यानी कि मेन स्क्रीन पे आप क्या क्या रखना चाहोगे, क्विक सिलेक्टर 1 और क्विक सिलेक्टर 2। क्विक सिलेक्टर 1 यानी कि जो ऊपर वाली ये स्विच है, ये कौन सा फंक्शन आप इसमें सेट करोगे वो आता है, और क्विक सिलेक्टर 2। तो मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे क्विक सिलेक्टर 1 में ट्रिप 1 सेट किया है, और क्विक सिलेक्टर 2 में मैंने अभी ट्रिप 2 सेट किया हुआ है। तो ये हम दोस्तों देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस, इसमें एंटर होने पे हमें ब्लूटूथ मिलता है जो हमारे मोबाइल से पेयरिंग हो जाता है। शिफ्ट लाइट, तो जो गियर चेंज करने के लिए आता है वो दिखता है, और क्लॉक डेट, डे रनिंग लाइट। इसके अलावा यूनिट में हम मान लीजिए कि क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस तो किलोमीटर में चाहिए, माइल में चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम सेल्सियस या फारेनहाइट दो में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूल कंजप्शन, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीटर 100 किलोमीटर में कितना लेती है, या 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है। US गैलन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, माइल है, तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आगे दोस्तों हम देखेंगे लैंग्वेज, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इंग्लिश US, इंग्लिश UK, डी अलग अलग। इसके अलावा सर्विस जो होती है उसका भी यहाँ पर आपको किलोमीटर डेट आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था एक्स्ट्रा फंक्शन, जैसे कि अभी नेक्स्ट आ गया किलोमीटर, KTM माई राइड सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे फंक्शन आप TFT डिस्प्ले में देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक बात मैं आपको से कहना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगी, कि टैंक कैपेसिटी पहले कम थी लेकिन अभी 13.5 लीटर की भी टैंक हो गई है, तो ज़्यादा रेंज आपको मिल जाती है जब आप कोई ट्रिप पे जाते हो। इसके अलावा इस बाइक की मैं बात करूँ वजन की दोस्तों, तो पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। इसका ड्राई वेट है 155 kg, यानी कि इसका पावर है 43.5 हॉर्स पावर और 37 नॉर्म टॉर्क पैदा करता है, तो इसके हिसाब से वजन कम होने से पिकअप और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ABS में भी इसमें 3 आपको मोड मिल जाते हैं, एक ऑफ तो पूरा ABS ऑफ हो जाता है, नेक्स्ट आता है सुपर मोटो तो पीछे का जो होता है वो ऑफ हो जाता है, आगे का ही ऑन रहता है, और तीसरा है दोनों जो नॉर्मल, अगर आप बाइक स्टार्ट है और बंद करते हैं तो भी फिर से वो नॉर्मल स्टार्टिंग में ही वो ऑटो में ही अपने आप ऑन हो जाता है, तो ये बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें बाइक का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा है, तो मतलब बम्प या कोई ऐसे रास्तों पे आप जाते हो पहाड़ी एरिया में तो ये टच नहीं होता है, और बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दे देता है। और दोस्तों साथ में मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा, इसका सर्विस सेंटर बहुत ही अच्छा है, जैसे कि 7500 किलोमीटर तक आप इसको चला के सर्विस के लिए ले जाना होता है, तो बारी बारी जैसे अगर लॉन्ग ट्रिप करने वाला कोई व्यक्ति है, एडवेंचर पे जाता है, तो उसको सर्विस के लिए कई बाइक में 3000 के होते हैं, कई बाइक में 4-5000 होते हैं, लेकिन 7500 किलोमीटर की जो रेंज है सर्विस ड्यूरेशन की वो बहुत ही बढ़िया है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस दोस्तों मैंने जो आपको बात की अभी वो करीबन 178 mm है, तो आप सोच सकते हो कि भारत में ऐसे रास्तों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए तो लोग लेह लद्दाख के लिए भी इसको बहुत ही पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके इंजन की बात करूँ, तो इसका जो इंजन है उसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है और स्लिपर क्लच है। स्लिपर क्लच जो होती है इसमें, इसका फंक्शन ऐसे होता है कि जब मान लीजिए आप स्पीड में जा रहे हो और अचानक आप डाउन गियर में आ जाते हो, तो वो क्लच ऐसे अपने आप एडजस्ट हो जाती है ताकि आपको झटका नहीं लगता है, और इंजन RPM में उसको बैलेंस कर लेती है, तो एक बढ़िया फंक्शन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका पावर 43.5 bhp है और 37 नॉर्म टॉर्क पैदा करता है, और टूरिंग के लिए भी बेस्ट है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बढ़िया है। मैंने देखा था वो 200 ड्यूक और तब मिलता 250 ड्यूक, लेकिन मुझे 390 इसलिए पसंद आया क्योंकि पावर परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया थी, और मेरा पर्पज़ यही था कि मैं हाई प्राइस के लेके थोड़ा जाऊँ तो मुझे मज़ा आए, परफॉर्मेंस पावर बहुत अच्छी मिले। और इसका इंजन का जो परफॉर्मेंस मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, करीबन ये 60 की स्पीड मेरे ख्याल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 3 सेकंड के अंदर पकड़ लेती है, और 100 की स्पीड वो 6 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड, हालांकि टॉप स्पीड मैंने कभी इसको टच नहीं किया वहाँ तक, लेकिन 165 किलोमीटर प्रति आवर इसकी टॉप स्पीड गिनी जाती है, और लोग कई लोग बोलते भी है कि उन्होंने भी इसको टच किया है और वो वहाँ तक चली जाती है। हैंडलिंग इसका बहुत बढ़िया है, सीट इसकी बहुत ही दोस्तों सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है। हाइट इसकी 822 mm है सीट की, और उसको आप ये मोनोस हो गए वहाँ से एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं दोस्तों भी आपको एक बात बताऊँगा कि ये बाइक जो है तो मुझे एवरेज कितना देती है, सिटी में ये लोअर गियर में चलती है, तो इसकी वजह से इसका दोस्तों एवरेज आता है वो करीबन होता है
22 to 25, और हाईवे पर अगर आप 80-90 की स्पीड तक चलाते हो तो आराम से 27-28 तक एवरेज हमको दे देती है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ फीचर जो मैंने आपको दिखाए ये सब बहुत ही खास है, लेकिन मैंने जो बाइक ली इसका एक प्लस पॉइंट मुझे ये सबसे बढ़िया लगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अगर आपको एक बाइक चाहिए जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, इसमें रेंज बहुत मिल जाती है, अभी 125 डीपी आपको मिलता है, लेकिन वो इतना आपको पिकअप और पावर नहीं देगा। और 390 जो ड्यूक है इसका परफॉर्मेंस पावर बहुत ही अच्छा है, इसकी माइलेज थोड़ी कम है लेकिन प्लस पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। और इसका जो डिस्प्ले है, इसका इंजन है, इसका जो ग्रिप है टायर का, इसके साथ दोस्तों KTM का हम बोल सकते हैं कि इसका एक मोनोपोली है। अगर आप स्पोर्ट बाइक एंट्री लेवल पे लेना चाहोगे तो इस प्राइस रेंज में कोई नहीं मिल सकता। मैंने जब इसको खरीदा था करीबन 2017 में, ये मुझे मिली थी 260,000 में, लेकिन हाल ही के दिनों में अबाउट 3 लाख इसका प्राइस चल रहा है, क्योंकि वो BS6 भी अभी आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बात की, अब कंक्लूजन में आपको ये बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे थोड़ी इसमें ऐसी लगी कि अच्छी नहीं है। हालांकि कुछ ख़राब नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना यूज़ होता है और कैसा उसका एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो फिक्स करता है कि कैसा लगा। तो इसमें सबसे मुझे थोड़ी दिक्कत वाली बात लगी, इससे पहले जो 2013 में फर्स्ट जनरेशन ड्यूक आई थी उसमें हीटिंग का प्रॉब्लम था, 2017 में इन लोगों ने थोड़ा रिफॉर्म कर दिया, लेकिन फिर भी अगर सिटी में अगर आप इसको कम स्पीड पे चलाते हो तो आपको प्रॉब्लम रहेगा, और आपने अगर जूते नहीं पहने हैं तो हीट आपको फील होगी, क्योंकि इसका जो इंजन है वो इतना पावरफुल है, तो जब कम गियर में चलता है तो उसका पावर स्ट्रोक इंजन इतना हीट पकड़ लेता है, तो हाईवे पर कोई दिक्कत नहीं, अगर स्पीड में चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गियर में अगर आप इसको बाइक को सिटी में चलाते हो तो हीटिंग का प्रॉब्लम मुझे लगता है। दूसरी बात दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं कि जैसे कि इसका चेन ओपन है, तो इसका जो चेन है उसको हर 500 किलोमीटर में ओपन होने के कारण लुब्रिकेट करा के हमें सर्विस कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कराते तो आवाज़ आने लगती है, कई कबार ऐसा भी प्रश्न हो जाता है, कहीं पर हम बाहर लेके जाते हैं और चेन टूट जाती है, तो वो परेशानी भी हमें फेस करनी पड़ती है, तो वो तो परेशानी नहीं बोल सकते, लेकिन हर 500 किलोमीटर में फिर मैंने जुगाड़ कर लिया कि अपने घर पे ही वो सब बोतल ले आया और खुद ही वो सर्विस चेन की कर देता हूँ। तीसरी बात दोस्तों मैं आपको यह बोलूँगी, ये पूरा जो बाइक है ये ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उस पर ज़्यादा चलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब इसमें दिए गए उससे ये प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं आप बाहर जाते हो, इंटरनल एरिया होता है और आपको KTM का सर्विस सेंटर नहीं मिलता है तो परेशानी बहुत जाती है, क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको इसको कोई गाड़ी में रख के सर्विस स्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा, तो ये परेशानी थोड़ी फेस करते लोग। हालांकि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा जब चीज़ें अटपटी हो जाती है तो उसको मेंटेन करना भी, जब बिगड़ जाती है उसका स्पेयर पार्ट सब कुछ बहुत महंगा आता है, तो वो एक परेशानी है। तो परफॉर्मेंस बहुत मुझे अच्छी लगी है, और बाइक के नेगेटिव हम कह सकते कुछ है ही नहीं, और 3 साल में मैंने चला के ये देखा कि इसका जो परफॉर्मेंस है, अगर आप एक बार इसको चला लेते हो तो कोई दूसरी बाइक आपको इस लेवल में अच्छी नहीं लगी। इसके कॉम्पिटिटर है डोमिनार 400 बजाज का और महिंद्रा का एक मोजो, लेकिन ये ज़्यादा चलती है क्योंकि इसका एक रिकॉर्ड बना है, हिस्ट्री इसकी अच्छी है, तो इसकी वजह से ये बहुत बढ़िया चलती है। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको कहा है, आप कुछ बातें अगर छूट गए तो माफ़ करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मैंने जो मुझे लगा वो शेयर किया आपके साथ। और अगर मेरा रिव्यू वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं, और बेल नोटिफिकेशन को पुश कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।